हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अमृत एंड वेलकम टू दोसर क्लासेस। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी ऑन द टॉपिक नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली क्लास 9 मैथ का फर्स्ट टॉपिक आपका है, और इसमें आपको बताएंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर को किन किन कैटेगरीज में रखा जाता है, नंबर को किस तरीके से अलग अलग कैटेगराइजेशन में सेट किया जाता है, और उसके बाद में इन डिफरेंट नंबर सिस्टम पर बेस्ड हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। एक्सरसाइज बेसिकली एनसीईआरटी बुक के जो भी ये क्वेश्चंस आपके होंगे उनको हम यूज करेंगे, और इसके अलावा अगर कोई अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं जो आपके नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो प्लीज मैसेज करिए, उनको भी हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की अगर हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं तो नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करने का सबसे सिंपल मेथड है, आप एक नंबर लाइन को ड्रॉ करिए। एक हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया और नंबर लाइन पर डिफरेंट नंबर्स को उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग वहां पर हमने सेट किया। जैसे सबसे पहले सेंटर पर 0, After that 1, 2, 3, 4 and so on. If we talk about negative numbers, तो negative numbers left hand side में show करेंगे -1, -2, -3, -4 and so on. तो किसी भी system में अगर हम number system की बात करते हैं तो number system में अलग अलग numbers को अलग अलग categories में set किया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं तो positive number after 0 जो आपको number show कर रहे हैं 1 से लेकर के till infinity, तो ये जितने भी आपके नंबर्स होते हैं ये नंबर कहलाते हैं आपके नेचुरल नंबर। यहां पर हमने सेट किया नेचुरल नंबर और ये डिनोट करते हैं इसको n से। अगर इन नेचुरल नंबर्स में हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो आपका जो नंबर सिस्टम है वो कहलाता है एज ए होल नंबर। मींस जितने भी आपके पॉजिटिव होल नंबर्स हैं उनको आपने इंक्लूड कर लिया, दैट्स बिकॉज ऑफ दैट इट इज नोन एज अ होल नंबर। Denoted by W. अब देखिए यहाँ पर जो आप numbers देख रहे हो generally जो हम अपने daily language में different numbers use करते हैं 1, 2, 3, 18, 17, 19 जो भी आपके different numbers होते हैं वो सब आपके हो गए natural number के parts। इसमें अगर 0 add कर लिया whole number, yes। One more thing, अगर negative numbers की तो अभी हमने बात ही नहीं करी, अगर negative numbers को count करते हैं जैसे -3, -17, -19, -250 कहीं पर अगर minus की बात कर लेते हैं तो ये collective of numbers means minus number plus 0 प्लस आपके पॉजिटिव नंबर्स, इनका कॉम्बिनेशन जो आपका होता है वो बेसिकली आपका कहलाता है आपका इंटीजर्स। तो ये वाला पार्ट आपका कहलाएगा इंटीजर्स। अगर इंटीजर्स की टर्म में बात करते हैं तो इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। सिंपल, अगर हम कहीं पर भी कोई नंबर सिस्टम की बात करें तो अलग अलग नंबर्स को किन किन कैटेगरीज में रखा जाता है, तो बेसिकली कैटेगरीज आपकी तीन होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। अब बात करते हैं कि ये जो अलग अलग इंटीजर्स की जिसकी हमने बात कर रखी है, जो आपके अलग अलग नंबर आपके हैं, ये तो हो गए सिंपल आपके डिजिट के फॉर्म में। अब इसमें कुछ नंबर आपके ऐसे होते हैं जो रेशियो के फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने कह दिया 4/5 आपका हो गया, 7/9 आपका हो गया, ये जो भी आपके अलग अलग नंबर होते हैं ये कहलाते हैं रेशनल नंबर। आफ्टर डेट हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की। यहां पर देखिए हमारा बेसिकली पर्पस क्या है, जो आपके अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं जिनको हम यहां पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इनका पर्पस ये है, सबसे पहले आप नंबर सिस्टम में जो अलग अलग नंबर्स हैं इनका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप समझ लीजिए, एंड आफ्टर डेट हम एक्सरसाइज पर आएंगे जिससे आपको समझना आसान होगा किस तरीके से हम ये अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन नंबर की बात करिए अभी तक हमने, नेचुरल, होल एंड इंटीजर्स। अब फर्दर बात करते हैं रेशनल नंबर के लिए। रेशनल नंबर बेसिकली कौन से आपके होते हैं, नाम से क्लियर है, जिन नंबर्स को हम रेशियो के फॉर्म में डिफाइन कर सके वो नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। जैसे हमने एग्जांपल की बात की थी 4/5, 7/9, 180/133, कोई भी किसी भी नंबर्स की हम बात कर ले अगर हम उसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हमारा कहलाता है रेशनल नंबर। इवन जो आपके इंटीजर्स हैं जैसे मान लीजिए हमने कह दिया 7, क्या रेशनल नंबर है, यस ऑफकोर्स, क्योंकि हम 7 को लिख सकते हैं 7/1, और जब 7/1 लिखा तो अगेन ये आपका रेशियो के फॉर्म में हो गया इसलिए कहलाता है रेशनल नंबर। अब रेशियो के फॉर्म में होने के लिए एक दो कंडीशंस आपकी होती हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहां बात करते हैं तो अपर टर्म जैसे हमने कहा तो ये आपका हो गया न्यूमरेटर, और जो लोअर टर्म जो आपका हो गया ये आपका हो गया डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही आपके इंटीजर्स होने चाहिए, पहली कंडीशन। मींस अगर हम पहले टर्म को कह दें पी है और सेकेंड टर्म को हम कह दें क्यू है, तो
फॉर अ परफेक्ट रेशनल नंबर द कंडीशन इज दिस दैट पी एंड क्यू ऑलवेज इंटीजर्स. पी एंड क्यू ऑलवेज इंटीजर्स. पी और क्यू आपके हमेशा इंटीजर्स हो, आइदर नेगेटिव नंबर हो आइदर पॉजिटिव नंबर हो. सॉरी वन मोर थिंग, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इंटीजर्स में अगर हम बात करते हैं तो आपका जीरो टर्म भी आता है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए. इसलिए पी एंड क्यू आपके जो भी हैं वो इंटीजर्स हो सकते हैं, लेकिन क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये कंडीशन कहलाती है फॉर रेशनल नंबर्स. अब देखिए नंबर सिस्टम एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स जो भी नंबर है उनको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं. अब रेशनल नंबर के साथ साथ में एक और टाइप का नंबर आपका होता है जिसको बोलते हैं इरेशनल नंबर. अच्छा यहाँ चीज थी, और रेशनल नंबर की बात करते हैं तो इसको हम डिफाइन करते हैं क्यू से. अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इरेशनल नंबर, और उसके बाद में फिर हम इंट्रोडक्टरी पार्ट के सेकंड आपका पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि अपना एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हम 2 से 3 पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में फिर हम फर्दर एक्सरसाइज पर आएंगे. तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर को हम शो करते हैं एस से. इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, वो नंबर्स जिनको हम रेशनल नंबर का जो पार्ट ना हो, मींस जिनको हम रेशियो के फॉर्म में भी ना लिख सके, और प्लस आपके नंबर लाइन पर कहीं ना कहीं ड्रॉ हो सके. तो अगर हम नंबर लाइन की बात करते हैं, जैसे हमने नंबर लाइन को अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये नंबर लाइन हो गई 0 हो गया, 1, 2 ये आपके अलग अलग नंबर हो गए, -1, -2 ठीक है, सब तो हमने फिल कर रखे हैं. अब नंबर लाइन में कौन से नंबर रह गए, जैसे हमने बात की 1/2 के लिए, 1/2 यहाँ हमने ले लिया, सॉरी यहाँ पर जैसे हमने ले लेते हैं 0 to 1 के बीच में, ये आपका हो जाएगा 1/2, 1 से 2 के बीच में अगेन आपका. तो ये जो भी आपके अलग अलग आपके नंबर हो रहे हैं ये तो सब आपके रेशनल में पार्ट हो गए. अब नंबर लाइन पर कौन से नंबर मिसिंग हुए, नंबर लाइन पर कुछ नंबर मिसिंग हुए जो डेसिमल के पार्ट में है और एक एक्सेप्शनल केस के फॉर्म में है, तो उन नंबर को कहते हैं हम इरेशनल नंबर. जैसे जस्ट लाइक अगर हम बात कर लें √2 के लिए, √3, √5 या फिर अगर हम बात कर लें पाई, या कोई एक स्पेशल फॉर्म ऑफ नंबर होता है, जैसे हमने कह दिया 0.01, 0.001, 0.001 एंड सो ऑन. तो ये जो भी नंबर्स हैं ये नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर. मींस जिन नंबर को एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जाए, और साथ साथ में वो नंबर किसी एक ऑर्डर को फॉलो ना कर रहे हो, तो वो सभी नंबर्स कहलाते हैं इरेशनल नंबर. एक कंडीशन लेकिन यहां पर है, इरेशनल नंबर में जो भी आप रूट यूज कर रहे हो वो आपके परफेक्ट रूट नहीं होने चाहिए, कंप्लीट रूट नहीं होने चाहिए. जैसे अगर हमने बात किया अंडर रूट फोर क्या होगा, 2 हो गया, मींस दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर. जैसे आपने बात यहां पर करा √9, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अगेन दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर. तो जो भी नंबर का रूट अगर आपका कंप्लीट रूट नहीं है, कंप्लीट रूट मतलब उसका रूट आपका एक इंटीजर निकल के नहीं आ रहा है, तो वो कहलाता है इरेशनल नंबर. जैसे हमने √2 की बात कर ली, √2 क्या है, √2 इज इक्वल टू नियर अबाउट आपका आता है 1.414 एंड सो ऑन. और जो ये आपका सीरीज है ये इनफाइनाइट तक जाती है और किसी प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं करती है, तो वो कहलाती है आपका इरेशनल नंबर. सिमिलरली जैसे हमने पाई की बात करी, 3.14 एंड सो ऑन इसके आगे आपकी जाएगी. ये सीरीज की बात कर ले, देखिए यहां पर 01 फिर 001 0001 मींस कोई पैटर्न आपका रिपीट नहीं हो रहा है, वो एक अपने पैटर्न में ही चला जा रहा है या फिर एक डिस्टर्बिंग मैनर में पैटर्न में चला जा रहा है, तो इन सभी नंबर्स को कहते हैं हम इरेशनल नंबर, याद रखिएगा ठीक है. अब तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स इनकी हमने बात करी. अब हम इनका क्लबिंग कर देते हैं, इन सारे नंबर्स को ज्वाइन करके बताते हैं कि जिन नंबर जो भी आपके डिफरेंट नंबर्स हैं अगर इनको हम कंबाइन कर देंगे तो क्या नंबर आपके बनेंगे. अच्छा एक चीज और सबको समझ लीजिए, जैसे हमने यहां पर बताया ये इरेशनल नंबर का टाइप, तो ये जो टाइप ऑफ इरेशनल नंबर है इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग.
मीन्स देखिए यहाँ जो सीरीज है ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही है, टर्मिनेट होना मतलब एंड हो जाना, तो ये सीरीज हमारी एंड नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूस ऑन इनफाइनाइट तक जा रही है और रीअकर भी नहीं कर रही है। रीअकर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कोई सीरीज मान लिया लिखी हमने, तो किसी सीरीज को जो हमने यहाँ पर लिखा तो वो हमने लिखा 1.417417417 इस फॉर्म में वो आपकी रिपीट हो रही है, मीन्स 417 टर्म आपका रीअकर कर रहा है। तो जब कभी इस टाइप के आपके डेसिमल नंबर आपके होते हैं, इस टाइप की कोई सीरीज आपकी होती है तो कहलाती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। लेकिन जितने भी इरेशनल नंबर हैं अगर इनका जब हम एक्सप्रेशन करते हैं तो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग टर्म ही आपका आता है। अब लास्ट आपका आज की क्लास में, बाकी रिमेनिंग तो आपका नंबर सिस्टम में कुछ चीजें और भी हैं एक्सप्लेन करने के लिए जिनको हमको एक्सप्लेन करना होगा अपने अलग अलग क्लासेस के लिए। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक जितने भी नंबर पढ़े हैं सबका एक कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, तो वो बेसिकली कहलाता है आपका रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, मीन्स रेशनल कहें इरेशनल कहें इंटीजर्स नेचुरल नंबर होल नंबर। अगर हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं और इस लाइन में हम कहते हैं कि जो भी आपके अलग अलग नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर को डिनोट करते हैं, देन यस, चाहे डेसिमल की बात करें, चाहे हम रेशनल की बात करें, चाहे इरेशनल की बात करें, नेगेटिव टर्म की बात करें, तो वो सारे नंबर्स कहलाते हैं आपके रियल नंबर। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं रिमेनिंग नंबर सिस्टम के एक्सप्लेनेशन को लेते हुए, जस्ट लाइक आपका डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, जो भी आपके उसकी पावर्स हैं उसकी बात करेंगे, डोमिनेटर के रेशनलाइजेशन की बात करेंगे, जो भी टर्मिनोलॉजी है रेशनल नंबर से रिलेटेड जो उनके अलग हम बात करते हुए, फिर उसके बाद में आपकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।